आज NIA की टीम आई थी अपना जिला यमुनानगर में, और उसको जो जिला यमुनानगर की पुलिस ने जो पॉसिबल असिस्टेंस हमारे पास थी वो प्रोवाइड की गई है। और एक अपने किसी दर्ज मुकदमे में रेड करते हुए इन्होंने यमुनानगर के जो दो व्यक्ति हैं, सिमरनजीत सिंह उर्फ बाबा सुभाष नगर यमुनानगर के रहने वाले हैं, और एक अभिषेक उर्फ पंजेटा जो विष्णु नगर कॉलोनी के रहने वाले हैं, इन दोनों व्यक्तियों को पूछताछ के लिए अपने साथ लेके गए हैं। और जब यमुनानगर में ये रहे तो जो पुलिस की हेल्प होती है हमने पुलिस असिस्टेंस उनको प्रोवाइड की है। बाकी इसका किस केस में उठा के लेके गए हैं NIA का विषय है, और NIA इस मामले का बारीकी से अन्वेषण आगे कर रही है। नहीं, इसमें मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ, जो आज जो NIA की रेड है वो NIA ने करी गई थी, पुलिस ने असिस्टेंस प्रोवाइड करी। अभी हमारे पास जो इनपुट है उसमें दो व्यक्तियों को अपने साथ पूछताछ के लिए लेके गई है। ये दो व्यक्ति हैं जो मतलब हमारे पास एक मुकदमा नंबर 408/2022 का दर्ज है, और उस मुकदमे में हम पहले इनको गिरफ्तार कर चुके हैं, और वो अभी ज़्यादा पुराना मुकदमा नहीं है। फिलहाल में ही इन दो व्यक्तियों को और इसके साथ जो अन्य चार स्किन के गैंगवार के लोग थे उनको भी गिरफ्तार करके हमने माननीय न्यायालय में पेश किया था, और इनका चालान कोर्ट में दिया था। ये कुछ दिन पहले ही बेल पे आए थे। अब NIA की टीम ने कार्रवाई करते हुए इनको पूछताछ के लिए अपना डिटेन किया है, और डिटेन करके इनसे पूछताछ जारी है। आगे की कार्रवाई NIA की टीम द्वारा अमल में लाई जाएगी। किस गैंग से जुड़े हुए हैं? देखिए, वो NIA का विषय, बाकी इस संबंध में बता देता हूँ, पहले भी एक रेड हुई थी जिसमें वेपन्स वगैरह की रिकवरी थी। अब उन्हीं से पूछताछ के लिए, आगामी अनुसंधान के लिए इसमें NIA की टीम द्वारा ये रेड अमल में लाई गई। सर, ऐसा मतलब देखिए, उसी कनेक्शन में इनको अभी यहाँ से डिटेन किया गया है। बाकी फर्दर जो भी है कुछ निकल के आएगा वो बाद पूछताछ में निकल के आएगा। हाँ, इनका आपराधिक रिकॉर्ड है वो मैं आपको बता चुका हूँ, और आपराधिक रिकॉर्ड जो दिन दो व्यक्तियों को आज डिटेन किया गया है NIA द्वारा, उन दो व्यक्तियों को यमुनानगर पुलिस द्वारा अभी फिलहाल ही गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे पहुँचाया गया था।